नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें ना मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना ही यहाँ पे हमें मावे की। इसके बिना भी हमारी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक मिक्सी का जार लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे मेजरमेंट के लिए एक कप। आप कोई भी कटोरी कप जो आपके पास हो आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो कप इसमें सूजी डाली है। सूजी भी आप कोई सी भी ले सकते हो, बारीक वाली, मोटी वाली, जो भी सूजी आपके पास हो आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें सूजी को अच्छे से पीस लेंगे। तो सूजी हमारी बिल्कुल तैयार है पीस के, बस हमें थोड़ा सा इसको पीस लेना है। अब हमें यहाँ पे लेनी है एक कढ़ाई, और इसमें हम बिना घी डाले हुए सूजी को अच्छे से भून लेना है। जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए तब तक हमें इसको अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे हमें सूजी को अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे भूनने में हमें 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें अच्छे से इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसमें हमने घी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लिया है, और इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज भी होने लग गया है। तो यहाँ पे सूजी हमारी अच्छे से भून गई है, बस हमें इसको इतना ही भूनना है। अब हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे हमें अच्छे से ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेना है, जिससे सूजी हमारी हल्की हल्की ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में इसे निकाल दिया है, और इसे हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो जाए। तब तक हमें इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारी सूजी अच्छे से ठंडी हो गई है। जैसे हमें इसे हाथ से टच करेंगे तो हाथ हमारे बिल्कुल भी नहीं जल रहे हैं। तो सूजी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। तो यहाँ पे मैंने घर की दूध की मलाई का यूज किया है, और इसको हमें अच्छे से डाल देंगे। तो इसमें मैंने 2 चम्मच मलाई की डाली है, और उसको पहले हमें अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी में। तो यहाँ पे हमें ताज़ा मलाई का यूज करना है, पुरानी मलाई का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके मलाई डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम पूरी वगैरह बनाते हैं, पराठे वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जैसे हम मोइन लगाते हैं उसी तरीके से हमें सूजी को अच्छे से मलाई में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे ज़्यादा मलाई का यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा चिपचिपा नहीं करेंगे, हमें इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। देखिए, इस तरीके से हमें इसे बांध के देखेंगे तो इस तरीके से हमारी सूजी अच्छे से बन जाएगी। तब हमारा मोह बिल्कुल अच्छे से लग गया है। बस हमें इसमें इतनी ही मलाई डालनी है, ज़्यादा मलाई का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मलाई की ली थी, वो इसमें मैंने डाल दी है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमें उसी पैन में डालेंगे सूजी को, और इसको भी अच्छे से हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। मीडियम गैस पे हमें ऐसे से लगातार इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने अभी घी का यूज़ नहीं किया है। जब हमें ज़रूरत लगेगी तब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो इसमें हम डालेंगे अब 1 चम्मच घी। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें घी का यूज किया है, ज़्यादा घी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर घी को हमें अच्छे से सूजी में मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि सूजी का हमारा अच्छे से कलर चेंज हो गया है, और सूजी भी हमारी अच्छे से यहाँ पे सिक गई है। इसी तरीके से हमें इसे चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम गैस पे हमें अच्छे से इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से भून गई है, बस हमें इसे इतना ही भूनना है। अब हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे हमें अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। तो थोड़ी देर हमारी सूजी अच्छे से ठंडी हो जाएगी, तब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। तो एक बर्तन में मैंने सूजी को निकाल दिया है, और यहाँ पे हमें उसी कढ़ाई में डालेंगे
एक कप चीनी और आधा कप इसमें हमने पानी डाला है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन मैंने जिस कप से सूजी डाली थी उसी कप से मैंने यहाँ पे चीनी का यूज किया है। तो वहाँ पे मैंने 2 कप सूजी का यूज किया था, तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी डाली है। चीनी को हमें पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। चीनी हमारी अच्छे से पानी में घुल जाए तब तक ही हमें चीनी को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी चीनी अच्छे से पानी में मिक्स हो गई है, बस हमें इतना ही इसे पकाना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी डालते वक्त हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चाशनी में सूजी डालते ही ये गाढ़ी होने लग जाएगी, तो हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 1 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इलायची पाउडर डाला है। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इलायची का पाउडर डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नारियल का बूरा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसमें नारियल का बूरा डाला है और उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसे पकाया है और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी बंद कर दिया है। अब हमें इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से सेट होने के लिए। थोड़े से यहाँ पे मैंने मिठाई के पेस्ट में ड्राई फ्रूट भी ऐड किए हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हो। अब जिस भी प्लेट या थाली में मिठाई को सेट करोगे उसमें हमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसमें हमें सारे पेस्ट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें सारे पेस्ट को अच्छे से निकाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो जितनी पतली और जितनी मोटी आपको उसकी चक्की की शेप रखनी है उस हिसाब से आप इसे रख सकते हो। तो यहाँ पे आज मैंने सूजी की चक्की बनाई है बिना बावा और बिना मिल्क पाउडर के, और ये बनी है इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है जैसे हमने इसमें मिल्क पाउडर या मावा ऐड किया हो। और इतनी सिंपल है बनाना, इसे कोई भी इसे बना के तैयार कर सकता है। तो इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और उसको अच्छे से हमें दबा देंगे जिससे मिठाई हमारी दिखने में भी अच्छी लगेगी। पिस्ता और बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया है और उसको अच्छे से सेट भी कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मिठाई हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे काट लेंगे। तो जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप इसे काट सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे चक्की के शेप में काट रही हूँ। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसे काट लेंगे और ये मिठाई इतनी आसान है बनाना कि कोई भी इसे बना के तैयार कर सकता है। इसमें हमें ना मावे की ज़रूरत है ना यहाँ पे हमें मिल्क पाउडर की, और बहुत ही कम घी में हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, बहुत ही अच्छी और दानेदार हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये निकल रही है और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ये, और खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है जैसे हम मावे और मिल्क पाउडर की जो मिठाई बनाते हैं वैसा टेस्ट है इसमें बिल्कुल ही। तो आप भी इसी तरीके से बना के तैयार कर सकते हो। इतनी ज़्यादा सिंपल और इतनी ज़्यादा टेस्टी हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिठाई हमारी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है दिखने में भी, और बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार हमारी ये मिठाई बनके तैयार हुई है। तो आपको ये दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से हम इसे तोड़ के चेक करेंगे तो कितनी दानेदार और कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। आप इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो मिठाई हमारी बहुत ही टेस्टी बन गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।